यूट्यूब पर कोई इतिहास बनाकर पैसा कमाता है तो कोई बकवास दिखाकर पैसा कमाता है। पर इस इंटरनेट इंडस्ट्री का एक डार्क साइड भी है जो शायद इतना डार्क है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। टाइटैनिक सिंक्लेयर नाम का एक सनकी म्यूज़िक डायरेक्टर जो अपने वीडियोस में मार्स आर्गो नाम की एक खूबसूरत सिंगर से गाना गवाता है, ये मार्स को ज़मीन से उठाकर एक सुपरस्टार बना देता है और फिर एक दिन वो इंटरनेट से अचानक ही गायब हो जाती है। मार्स का यूट्यूब पर अपलोड किया गया आखिरी वीडियो यूट्यूब अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से रिमूव कर देता है क्योंकि उसमें वो खून की उल्टी करती हुई दिखाई देती है। ये वीडियो कुछ लोग डाउनलोड कर लेते हैं और उसे वापस से यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं जिससे ये वीडियो यूट्यूब पर आता जाता रहता है। मार्स के जाते ही सिंक्लेयर के वीडियोज़ में उसकी जगह एक दूसरी लड़की ले लेती है जिसका नाम होता है पॉपी। ये लड़की एक एस्पायरिंग सिंगर होती है जो पहले अपना पर्सनल चैनल चलाती है जिसमें व्लॉग्स और डेली रूटीन के कुछ वीडियोस अपलोड करती है, बिल्कुल किसी नॉर्मल यूट्यूबर की तरह। पर सिंक्लेयर के वीडियोस में आने के बाद इसकी हरकतें अजीब होती जाती हैं और ये ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे कोई रोबोट हो। आज की डेट में यूट्यूब के सबसे मिस्टीरियस चैनल में से आता है द चैनल पॉपी। तो यूट्यूब के इस एक्सट्रीमली डार्क साइड के पीछे की कहानी क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे तो अपना चैनल दुनिया भर के रहस्यों को खोजने का कोड़ने में लगा रहता है, पर अगर कोई व्यक्ति बेईमानी से व्यूज कमाता है तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। सो बैक टू द टॉपिक, तो आखिर कौन है ये पॉपी? पॉपी आज जो है आज से 10 साल पहले नहीं थी। 10 साल पहले ये एक एस्पायरिंग सिंगर थी जो कि इंटरनेट की इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहती थी। इसका एक चैनल था जिसका नाम था मराया पॉपी, जहाँ पर ये डेली व्लॉग्स अपलोड किया करती थी और बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह ही बिहेव किया करती थी। लेकिन अचानक से 2014 में मराया पॉपी के चैनल का नाम बदल के पॉपी कर दिया जाता है और इसके चैनल के लगभग सभी वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है। चैनल पे नए वीडियोस आने लगते हैं जिनका पुराने से कोई कनेक्शन समझ में नहीं आता और यहीं से इस डार्क कहानी की शुरुआत होती है। I was created on January 1st. Can you see the difference? What's happening to me? अब ये नई पॉपी ड्रेसिंग सेंस में तो अजीब रहती है जैसा हर बड़ा स्टार करने की कोशिश करता है, पर अब इसके कैरेक्टर और इसके बिहेवियर में भी बहुत अजीब से अंतर आने लगते हैं जैसे मानो ये रोबोट हो। ये अपने चैनल पर कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड करने लगती है जिसमें इसकी वॉइस बिल्कुल हाई पिच्ड और रोबोटिक लगती है और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी अपलोड करती है जिसका एग्जैक्टली कोई सेंस नहीं बनता। इसके वीडियोस को रहस्य में उलझाने से अच्छा एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जानबूझकर एक मिस्ट्री क्रिएट करना चाहती है जो इसके म्यूज़िक वीडियोस को फ्री प्रमोशन दे सकता है। अक्सर हमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के गानों में देखने को मिलता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स कुछ अजीबोगरीब चीज़ें अपने वीडियो के अंदर करते हैं जिसको देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएं और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। पर धीमे धीमे पॉपी के चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियोस एग्जैक्टली रैंडम होने की बजाय एक कहानी बताना चालू कर देते हैं। इसमें हॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री में पैसे का क्या रोल है और लोगों की क्या कीमत है वो अक्सर बताया करती है, और अक्सर सेलिब्रिटीज़ के गायब हो जाने पर या उनके मारे जाने पर उनको कैसे आसानी से रिप्लेस किया जाता है वो भी बताती है। अब जैसे पॉपी के इस वीडियो का एक सीन देख लीजिए, इसमें लेफ्ट तरफ पॉपी के मुंह से खून बह रहा है और राइट तरफ उसको मेकअप करके खड़ा करवा दिया गया है। एक्चुअली ये कहानी मार्स आर्गो नाम की एक सिंगर की है जिसका इंटरनेट पर अपलोड किया गया आखिरी वीडियो में वो अपने मुंह से खून की उल्टी कर रही थी। पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्स आर्गो के म्यूज़िक वीडियोज़ को जिस म्यूज़िक डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था वही पॉपी की वीडियोज़ को भी डायरेक्ट करता है जिसका नाम टाइटैनिक सिंक्लेयर है। मार्स के इंडस्ट्री से गायब हो जाने के बाद उसने पॉपी से उसको रिप्लेस कर दिया। अब इस कहानी की केमिस्ट्री है उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। You are just a puppet for them. You are fake and plastic just like every other girl in Hollywood. जैसा कि आप इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, एक प्लास्टिक मॉडल पॉपी से कह रही है कि तुम भी इंडस्ट्री के लिए केवल एक प्लास्टिक मॉडल ही हो। अब पॉपी की मिस्ट्री सॉल्व करने की होड़ में बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसकी मिस्ट्री सॉल्व करने वाली वीडियोस बनाना चालू कर देते हैं और कुछ लोग तो इसके ऊपर अपना डेडिकेटेड चैनल ही बना लेते हैं जिसमें वो सिर्फ पॉपी की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। मुझे किसी की याद आ गई। लेकिन मज़े की बात यह है कि पॉपी 2014 के पहले जैसी थी, मतलब ओरिजिनल वाली पॉपी, उसके सभी वीडियोस इंटरनेट से परमानेंटली डिलीट कर दिए जाते हैं और उसकी सभी सोशल मीडिया वेबसाइट को वेबैक मशीन पर भी सर्च करने से ब्लॉक कर दिया जाता है। अब वेबैक मशीन एक ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट है जिस पर इंटरनेट से गायब की गई किसी भी वेबसाइट या डिलीट की गई किसी भी वेबसाइट को सर्च किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि वो वेबसाइट इंटरनेट पर कब से कब तक थी। पॉपी को अजीबोगरीब वीडियोस अपलोड करते हुए 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी इसके चैनल पर ऐसे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। इसने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस भी रिलीज़ किए हैं जिसने इंटरनेट पर अच्छी खासी सक्सेस कमाई है। पर ये सब तो कुछ नहीं था, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब यहीं से स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड होना शुरू हो जाती है। पॉपी के इंडस्ट्री में आने से 4 साल पहले मार्स आर्गो इस इंडस्ट्री में थी जो कि एग्जैक्टली पॉपी की तरह ही वीडियोज़ बनाया करती थी जिसमें वो अजीब टाइप की हरकतें करती देखी जाती थी।
Welcome to our computer show. I'm Mars Argo. इस वीडियो की सीरीज का नाम था द कंप्यूटर शो, जिसमें किसी रोबोट की तरह बात करती थी और देखने में ही समझ में आता है कि ये वीडियोस पॉपी से कितने सिमिलर हैं। चिप्स। इन दोनों के वीडियो का स्टाइल सेम है, इनकी ड्रेस सेम है, इनका मेकअप सेम है, इनकी हरकतें सेम हैं और दोनों ही आर्टिस्ट हैं। और ऐसे कई वीडियोस पॉपी ने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं जिसमें वो मार्स आर्गो के वर्क को रेफरेंस देती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो में वो 3:36 के टाइम को बता रही होती है। अब मार्स आर्गो का एक वीडियो 3:36 का था। मार्स आर्गो लगातार 5 साल तक म्यूजिक इंडस्ट्री में रहती है और उसका करियर भी अच्छा जा रहा होता है, बट ऑल ऑफ अ सडन एकदम से वो इंडस्ट्री से गायब हो जाती है। YouTube पर अपलोड किए गए उसके चैनल के वीडियोस को एकदम से डिलीट कर दिया जाता है और चैनल पर जो लास्ट वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नाम होता है द डे ऑफ रेट्रीब्यूशन। इस वीडियो में वो एक मास किलर के सुसाइड की ट्रांसक्रिप्ट रीड कर रही होती है। Tomorrow is the day of retribution, the day I will have my revenge against humanity, against all of you. Revenge against humanity, against all of you. मार्स आर्गो के गायब होते ही साथ पॉपी को एक नई पर्सनैलिटी के साथ इंटरनेट पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ऐसा लगता है कि मार्स आर्गो को इंटरनेट से पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश की गई हो और उसकी जगह पॉपी ने ले ली हो। पॉपी की मिस्ट्री सॉल्व करने वाले यूट्यूब चैनल्स की बात माने तो ये लोग इसे इल्यूमिनाटी फ्रीमेसन या ऐसे ही किसी ग्रुप से कनेक्टेड होने की बात करते हैं, पर मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। बिकॉज पॉपी के म्यूजिक वीडियोस का डायरेक्टर टाइटैनिक सिंक्लेयर है, जिसने मार्स आर्गो के म्यूजिक वीडियोस को भी डायरेक्ट किया था। म्यूजिक डायरेक्टर के सेम होने की वजह से म्यूजिक वीडियोस में सिमिलैरिटी होना आम बात है। इस पूरी कहानी के पीछे का एक्सप्लेनेशन ये है कि मार्स आर्गो टाइटैनिक सिंक्लेयर के साथ रिलेशनशिप में थी। जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे तो इन लोग साथ में म्यूजिक वीडियोस बनाया करते थे जिसको टाइटैनिक डायरेक्ट करता था और मार्स गाया करती थी। पर थोड़े समय बाद इनका ब्रेकअप हो जाता है और वो टाइटैनिक की पागल मानसिकता की वजह से। आप इन वीडियोस की स्क्रिप्ट देखकर भी समझ सकते हैं कि इस आदमी की मानसिकता कितनी अजीब है। बात यहीं पर आकर नहीं रुकती है। ब्रेकअप के बाद भी टाइटैनिक मार्स के घर के आजू बाजू घूमा करता था और कई बार उसकी खिड़की तोड़कर भी उसके घर के अंदर पहुंच जाया करता था। इसके बाद मार्स ने उसके ऊपर कई एलिगेशंस लगाए और कुछ केसेस किए, जिसके बाद उसके ऊपर FIRs हुई और बहुत समय तक ये केस चला। क्योंकि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और टाइटैनिक को अपने म्यूजिक वीडियोस बनाना जारी रखना था, तो उसने पॉपी को उठा लिया और उसके ऊपर मार्स की पूरी पर्सनैलिटी को उतार दिया। इस केस के दौरान टाइटैनिक ने ट्विटर से ऐसे 12,000 ट्वीट्स को डिलीट किया जिसमें उसने मार्स आर्गो को मेंशन किया था। अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कितने मैसेजेस करते हो? 100, 50, 200? तुम नूब हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस बंदे को देखो, 12,000 ट्वीट्स। तो बेसिकली इस पूरी मिस्ट्री का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है कि टाइटैनिक सिंक्लेयर एक अजीब सी मानसिकता वाला म्यूजिक डायरेक्टर होता है, जिसे मार्स आर्गो नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसे वो रोबोट बनाकर अपनी म्यूजिक वीडियोस में दिखाता है। इसके पागलपन से परेशान होकर वो लड़की से ब्रेकअप कर लेती है और फिर ये मराया पॉपी नाम की एक दूसरी लड़की को उठाता है और उसको रोबोट बना देता है। ऐसे अजीबोगरीब वीडियोस बनाने से फ़ायदा ये होता है कि लोग इन वीडियोस को कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस समझ लेते हैं और इसकी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए इसे अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ये यूट्यूब पर बहुत सारे व्यूज़ कमाते हैं। बात सिर्फ पॉपी की नहीं है। अगर आपने क्रेडल्स गाना सुना है तो आप इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इस तो अगर आपको किसी भी म्यूजिक वीडियो को देखकर उसके पीछे कोई मिस्ट्री लगे और ऐसा लगे कि इसके सिंगर्स ने अपनी आत्मा इल्यूमिनाटी को बेचकर रातों रात फेमस हो गए हैं, इन लोग दिलेरी से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता बेवकूफ़ बनने के लिए बैठी हुई है। अब फॉरेन की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको वीडियोस में कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि अपने यहाँ जनता तो वैसे ही बेवकूफ़ है, उनको बनाना नहीं पड़ता। पिछले वीडियो में अनुराग के कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ये कह रहे थे कि मैं PR टीम का हिस्सा हूँ और मुझे उन लोगों ने पैसा खिलाया है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इतने कम सब्सक्राइबर्स में स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती है, PR टीम वाला पैसा मेरे पे क्यों लगाएगा? कुछ तो अकल लगाना सीखो। PR टीम हर जगह एक्टिव हो गई है, PR टीम हर जगह एक्टिव हो गई है। उसने यूट्यूबर्स को खरीद लिया, फेसबुक को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया है। अबे किसी को नहीं खरीदा है, दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। जब CBI के पास केस जा चुका है तो PR टीम भी कहीं पर पैसा नहीं लगाएगी, इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब जिसको इंसाफ मिलना होगा मिल जाएगा। ये बोलो तुम्हारे चैनल पर कॉन्टेंट खत्म हो गया है तो दुनिया भर के लोगों को बेईमान साबित करने के पीछे पड़े हो। और कुछ लोग पिछले वीडियो में मेरे को ये कह रहे थे कि मैं अनुराग के नाम पर व्यूज़ कमा रहा हूँ जैसे वो सुशांत के नाम पर कमा, तो भाई ऑब्वियसली कमा रहा हूँ। पर अनुराग एक जीता जाता इंसान है जिसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए और जिसकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने के लिए यूट्यूब कम्युनिटी मुझे अधिकार देती है। मैं किसी एक्टर की डेथ पर ऑडियंस के इमोशंस को व्यूज़ में कन्वर्ट नहीं करता। जैसे तुम कम्युनिटी पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत की फ़ोटो डाल देते हो कि सुशांत कितना अच्छा था, वो हमेशा अपने साथ किताब लेकर चला करता था, और उसके ऊपर अपने वीडियो का लिंक डाल देते हो। अब सुशांत पढ़ने लिखने में अच्छा था तो सिर्फ उसकी फ़ोटो डालो ना, उसके ऊपर वीडियो का लिंक क्यों डाल रहे हो? हम तुम्हारा वीडियो क्यों देखें? तुम वहाँ पर फिर से CBI खेलना चालू कर दोगे। पर जो लोग अंधभक्त हैं वो लोग अंधभक्ति रहेंगे और उन लोग को कुछ समझ नहीं आने वाला, उन लोग को समझाना इम्पॉसिबल है।
उसी प्रकार जिस प्रकार कई लोग पॉपी के वीडियोस को इल्यूमिनाटी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको समझाया नहीं जा सकता। वो लोग वही मानेंगे जो वो मानना चाहते हैं। अपन सिर्फ उनके सामने फैक्ट्स रख सकते हैं, पर जो केवल अंधा होकर चलना चाहता है वो अंधा होकर ही चलेगा और गड्ढे में जाएगा। तो हिस्ट्री मिस्ट्री साइंस कंस्पिरेसी और एक्सपोज के ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब करो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।